सो ही गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। एंड गाइस अभी जो ज़िगोट के ऊपर ऐसे एलिगेशंस लग रहे कि उन्होंने कास्ट प्लेस की कंटेंट आइडिया को कॉपी किया, सो इसका भी क्रॉन्टन एंड खुद ज़िगोट ने भी रिप्लाई दिया। वो क्लिप आप ऑन स्क्रीन देख सकते हो। और जैसे मैं स्ट्रीम करता हूं ना, पीक कोई चीज जाती तब ओके वाचिंग पीक पे थी क्या? सब पीक पे रहता ना बंदे सामने। कितने थे वाचिंग? 10,000। यस कॉपी करेगा वाचिंग? वाचिंग तो कॉपी नहीं कर सकता कोई, सैडली। ब्रो वही होता है गाइस, मेरे हिसाब से तो तुम लोग कंटेंट से इंस्पायर होते हो लोगों के कि यार इसने ऐसा बनाया, ये बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है, तो मैं भी ट्राई करता हूँ मेरे तरीके से। अगर तुम कॉपी तो वो हो गया कि तुम मेहनत भी नहीं कर रहे, तुमने उठा के इधर ही छाप दिया, मतलब मेहनत तो उसमें भी लगेगी, खुद का कुछ डाला नहीं, कॉपी तो वो हो गया ना फिर। एंड गाइस अभी सिड भाई को भी बंदे बोल रहे थे कि हमारा कंटेंट पेस्ट किया, सुषमन का भी क्या रिप्लाई था वो ऑन स्क्रीन देख सकते हो। सिड भाई हमारा कंटेंट एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट किया विदाउट एनी चेंज डाल रहा है कौन, और डाल रहा है तो डाल रहा है यार। Imitation is the best form of flattery. Have you heard this कहावत? Imitation is the best form of flattery. ठीक है? Is the best form of flattery. और वैसे भी देखो, I don't think copy किया है। मेरे को तो नहीं लगता कुछ ऐसा copy copy वाला system होता है। और वैसे भी कुछ copy है नहीं। काश्मी ने 5,000 दिए थे, वो वीडियो में 4,000 है। And guys अभी थक भाई ने भी ये बोला कि both fan bases need to calm down and उनके respective organization के success को enjoy करना चाहिए rather than trying to bring each other down। Rivalry का मजा tournament and in game आता है, let's peace prevail and have fun while all of these last। And guys अभी ज़िगोट को बंदी ये बोल रही थी कि बस इतना बता दे कि जोनाथन टीम के साथ क्यों नहीं खेलते, कल सुबह क्यों नहीं वो टीम के साथ में ग्राइंड कर रहे थे। एंड अभी क्रॉन्टन एंड ज़िगोट ने बात की गॉडले के न्यू कोच के बारे में कि वो कितना ज्यादा स्ट्रिक्ट है एंड बिल्कुल भी बायस्ड नहीं है, वो पूरा क्लिप आप ऑन स्क्रीन देख सकते हो। ए नहीं अपना भी जो कोच अच्छा कर रहा है। हां गाइस नया कोच वैसे बूट कैंप में आ चुका है और मतलब अभी ऐसा नहीं फिक्स है ट्रायल ही है। मुझे उसका सबसे अच्छा लगता है कौन सा लगा क्या जो तुम्हारी मतलब वो ऐसे नहीं कि ज़िगोट है तो ज़िगोट को ज्यादा मतलब भाव दो, जॉनी है तो जॉनी को कुछ मत बोलो, ऐसा नहीं करना। वो प्रॉपर रियल ओपिनियन देते हैं, ये तो मतलब बायस नहीं है वो, जो ऐसे ही है कि जिसकी गलती मतलब मेरी स्ट्रीम देख रहा उसको ले फिर गॉड सिर्फ इतना बता दे कि जॉनी टीम के साथ क्यों नहीं खेलता, तो वो खेला नहीं है और सुबह INF के नाम से क्या INF के नाम के टीम से तुम ही खेल रहे थे ना। ब्रो जॉनी आई गेस वो रात भर कुछ तो सीन था, वो स्ट्रीम कर रहा था फिर खेल रहा था, वो तो थोड़ा सा ऊपर नीचे उठ गया था, लेट उठ गया था इसलिए नहीं आया था, बाकी वो फिर दिन से आ गया था वो। INF का मेरे को पता नहीं INF कौन। एंड किसी भी सोमराज से बंदी पूछ रही थी कि जोनाथन अब कैसे राइज अप करेंगे, एंड उनको बंदी ये भी बोल रही थी कि गॉड लाइक में जेली को हटाकर हेक्टर को लेना चाहिए एज IGL तो कैसा रहता, वो पूरा क्लिप आप ऑन स्क्रीन देख सकते हो। जॉनी राइज अप कैसे करेगा, तो DBS अच्छा ही चला रहा है, बताओ DBS हटते DBS तो बात ही नहीं, वो AKM भी बहुत अच्छा चला था, मेन तो AKM में ही वो मारता था सबको, ऐसा 1v4 देखे नहीं उसका वीडियोस, UMP तो बहुत अच्छा चला था, गॉडल में हेक्टर होते तो अच्छा होता जेली को हटा के। नो कमेंट्स। हेक्टर एज एन IGL भी तो उसको प्रूव करना है ना ब्रो, हेक्टर IGL मतलब अभी बन रहा है, मेरे को पता नहीं एग्जैक्टली क्या सीन, पर प्रूव करने का जरूरत है ब्रो। एंड गाइस अभी सोमराज ने ये बोला कि DBS एंड S12K को हटा देना चाहिए, वो क्लिप आप ऑन स्क्रीन देख सकते हो। भाई DBS और S12K हटा देना चाहिए कसम से, DBS को वापस एयरड्रॉप पे भेज देना चाहिए और S12K को बस लिमिट कर देना चाहिए, एक ड्रॉप में देखिए मिलेगा। ब्रिंग बैक द AKM एंड UMP टाइम, क्या बोलते हो आप? DBS भाई हम पुश करते हैं धप से कोई मार देता है, दिमाग खराब। पता है इस बार हम BGMI के लिए बहुत एक्साइटेड है, इसके बहुत सारे रीजंस है, फ्यूचर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है BGMI का। बाकी गाइस आपके भी इसमें क्या व्यूज है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना कि DBS एंड S12K को हटाना चाहिए कि नहीं। एंड गाइस अभी निंजा ने बात की जोनाथन एंड टीम गॉडलाइक की, वो क्लिप आप ऑन स्क्रीन देख सकते हो। टू वर्ड्स फॉर जोनाथन, भाई तगड़ा प्लेयर है जोनाथन, उसके बारे में क्या ही मैं बोलूं भाई, इतना तो अच्छा प्लेयर है, तुम सबको ही पता है इतना तगड़ा प्लेयर है। अभी वो लोग भी आएंगे ना लैन पे तो मिलते हैं, प्लीज प्ले इन मॉडरेशन, टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स एंड प्ले रिस्पांसिबली। सबसे मिलते बॉट टैग में मिला भी नहीं उनसे। देखो भाई मेरे को कुछ नहीं है, मैं तो बोल देता हूं क्योंकि अच्छा है, अच्छा प्लेयर है, तुम लोगों को ही अच्छा नहीं लगता, तुम तो भाई वैसे भी बोलने लग जाते हो क्यों बोल रहा अच्छा, झूठ में अच्छा बोल रहा। एंड किसी भी ज़िगोट को बहुत बंदी ये बोल रही थी कि प्लीज आप किसी और टीम से BGMS खेलो प्लेइंग 4 में, एंड फिर ज़िगोट ने भी बोला कि आपको बहुत ही जल्द कुछ गुड न्यूज देखने को मिलेगी, सो क्लिप आप ऑन स्क्रीन देख सकते हो। प्लीज किसी टीम से BGMS खेलो प्लेइंग 4 में, आप देखो आपको एक अच्छी न्यूज दूंगा मैं, बहुत न्यूज दे, न्यूज अभी थोड़ी मिलेगी, न्यूज अभी देखो जिंदगी में ना सही टाइम पे सही चीज होनी चाहिए, समझ लो अभी न्यूज देने का टाइम है, न्यूज एकदम सही टाइम पे दे, टेंशन मत लो। 100 बनू हम फैंस के लिए, अच्छा सीज़ गार्डन में लो किसी और टीम में प्लेइंग फॉर खेलो PGMS प्लीज, बाकी तेरी मर्जी। ऑब्वियसली भाई मेरे को ई स्पोर्ट्स नहीं छोड़ना अभी, ना मैं अटक गया ना मैं अभी छोड़ने वाला हूँ, जैसा भी रहेगा आपको जल्दी अपडेट दे दूंगा। गागुन नॉट गोना लाइक पास 2-3 वीक्स से गेम इंप्रूव दिख रहा है, ई स्पोर्ट्स में कम बैक आ रहा है क्या लव?
ब्रो ऑब्वियसली मतलब अभी मैं देखो एक महीना गेम से दूर था, अगर मैं वापस वो फ्लो के अंदर खेलूंगा वापस, मतलब समझ रहे हो उस फ्लो में रहूंगा कि रोजाना उठ के कस्टम खेल रहा हूँ तो गेम तो आ जाएगा यार। एंड गाइस कल टोटल 8 टीम्स को BGMS का इनवाइट मिल गया, जैसे कि कार्निवल गेमिंग, रेकनिंग, गॉड सरेन, टीम डमिलास, टीम एक्स पार्क, मोगो, लिम्ब्रा एंड एंटिटी। एंड गाइस जैसा कि लिम्ब्रा को भी इनवाइट मिल गया, सो मेजी ने इसमें बोला कि जो कहते आप बिना बड़े नाम के ई-स्पोर्ट्स में आगे नहीं जा सकते उन्हें लिम्ब्रा से सीखना चाहिए। एंड गाइस अभी लेट्स ग्रो ई-स्पोर्ट्स ने भी लिस्ट रिवील किया कि कौन कौन सी टीम्स को इनवाइट मिलने वाला है, जिसमें की सोल, गॉडलाइक, जी, सीजी, एंटिटी सब है। एंड गाइस क्या भी जी गॉड ने गलती से लीक कर दिया कि गॉडलाइक को इनवाइट मिल गया है फॉर BGMS? यस गाइस वो क्लिप आप ऑन स्क्रीन देख सकते हो। तुम लोग बताओ अगर तुम लोग को दिल्ली में भी, देखो अभी मत बताओ, अभी दिल्ली जा रहे अपन लैन के लिए, तो मैं ग्राइंड तो कर ही रहा हूँ, मतलब ऑब्वियसली मैं पूरा दिन बैठ के ग्राइंड तो कर नहीं सकता। तो उसके अलावा अगर कुछ कंटेंट रहेगा तुम्हारे दिमाग में है कि दिल्ली में बना सकते, मेरे को दिल्ली का इतना आइडिया नहीं, ठीक है, अगर तुम्हारे दिमाग में है बना सकते तो बताओ, मतलब आउटडोर भी रहेगा, आउटडोर का आइडिया कुछ रहेगा तो वो बना लूंगा, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मैं खुद का तो बना रहा हूँ, मेरे पास 3-4 आइडियाज है, वो बनाऊंगा। हक दिया क्या? हक दिया मैंने, मैंने क्या हक दिया? हका तो हका क्या मैंने, समझ नहीं पा रहा क्या हो गया भाई। टेंशन मत दो तुम इतनी मेरे को, अबे लीक थोड़ी है ये तो सबको ही पता है, मेरे को लगा मैंने कुछ और बोल दिया। एंड गाइस अभी सोमराज को एक बंदे ने ये बोला कि स्काउट ने बुरा भला बोला, सो इसमें उनका क्या रिप्लाई था वो आप ऑन स्क्रीन देख सकते हो। स्काउट ने बुरा भला बोला तो मैं अच्छा नहीं लगा, देखा ही नहीं कौन क्या बोला, खैर वैसे आई एम हैप्पी फॉर हिम कि मतलब उसकी टीम जीती, उसका भी एक अलग ही फीलिंग होगा। प्लेयर वाइज जो जीतते हैं उनको एक अलग फीलिंग आता है, वो प्लेयर्स को ही पता रहता है, और ओनर जो है वो लोग कैसे जीते उनको एक अलग फीलिंग आता होगा, मेरे को पता नहीं। एंड जैसे भी रुशिंद्र सिन्हा ने एक बहुत ही शॉकिंग रियलिटी रिवील की, यस गाइस वो क्लिप आप ऑन स्क्रीन देख सकते हो। देयर आर वेरी फ्यू ई-स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस इन द वर्ल्ड दैट आर मेकिंग एनी काइंड ऑफ मनी, दोस दैट आर ईदर फ्रॉम अ वेब 3, अ बेटिंग, अ क्रिप्टो और वन ऑफ दोस कंपनीज दैट जस्ट इजंट गोइंग टू वर्क फॉर अस, इट इजंट गोइंग टू वर्क फॉर अ लॉट ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव इन माइंड। सो फॉर अस टू बी एबल टू सस्टेन वी हैव टू डू थिंग्स डिफरेंटली, कंटेंट इज वन वे, यू आर सीइंग द वे सोल हैज मैनेज्ड टू मोनेटाइज, इवन देयर ई-स्पोर्ट्स डिवीजन लूजेस मनी, देयर कंटेंट डिवीजन मेक्स मनी। So even internationally, a lot of teams like Loud, their content makes them a lot more revenue than their esports. For us, esports is a very big thing because we have high performance rosters. That's why we've dropped everything else. हमने सोचा कि हम concentrate करेंगे for VCT and for BGMI. We dropped all our other rosters. We didn't want to get distracted. We had multiple other teams and other games. अभी भी इतने सारे teams आते हैं. Till now, we get opportunity of teams that are in esports World Cup saying, please हमें sign कर लो, you get to represent at esports World Cup. हमें नहीं चाहिए वो representation. Again, हमें वो tick mark नहीं चाहिए. It does nothing for us. It's just an added expense for us to say, cool, we have one more team, we are winning one more game. But at the end of the day, from a business perspective, it is a loss. एंड गाइस अभी मेसी ने ये बात की कि BMPS के बाद एक ऐसा इवेंट है जिसमें कि बाहर की टीम्स इंडिया खेलने आएगी, इस वो क्लिप आप ऑन स्क्रीन देख सकते हो। मंगोलियन के बारे में कैसे बता दे, पर ये है कि BMPS के बाद एक इवेंट तो है जिसमें बाहर की टीम इंडिया खेलने के लिए आएगी, अब वो कौन सा इवेंट होगा, मंगोलियन है, कोरियन है कौन नहीं है, उसके बारे में हमें इंतजार करना पड़ेगा BMPS का। BMPS के खत्म होने के बाद शायद आप कह सकते हो कि हाँ ये टीम है, ये टीम है, ये टीम है, वैसा है। अजय भाई क्या लगता है सीजी को क्या करना चाहिए इस साल, वो डे वन अच्छा खेले लैन पर? कुछ नहीं, जो अच्छा करना था उन्होंने कर दिया, एस पावर को वो ले आए। माफी चाहूंगा मैं। एंड किसी भी एक्विनॉक्स ने ये बात की कि ड्रीम टीम क्यों नहीं क्वालिफाई कर पाई, वो क्लिप आप ऑन स्क्रीन देख सकते हो। राउंड फोर का फर्स्ट मैच फर्स्ट आए थे हम लोग, तो उसके बाद हम थोड़ा चिल हो गए, हम बोले कि थोड़ा रेस्ट करते हैं, थोड़ा अपना देखो, थोड़ा अपना चिल करो, जो करना है करो, एंड सब अपना कर रहे थे, एक हुआ एंड हम फिर बोले कि चलो खेलते दोबारा, फिर प्रॉपर हम खेलते थे, ऐसा ही नहीं कि हर रोज हम बस खेल ही करते थे, हम खेलते थे थोड़ा मैचेस, बट उसके बाद हम बोले चलो खेलते क्योंकि इतना टाइम हो गया, प्रॉपर खेला नहीं हमने प्रैक्टिस नहीं, तो हमने चालू किया प्रैक्टिस करना, ठीक है, हमारा ये आता था आगे तो क्वालिफायर राउंड आ रहे थे एंड हमने प्रैक्टिस चालू किया, फिर हम धीरे धीरे खेलने लगे ना, तब दिखने लगा कि हम थोड़ा, हमें वो ब्रेक थोड़ा भारी पड़ गया, हमें वो थोड़ा ब्रेक भारी पड़ गया एंड थोड़ा ट्रस्ट इशूज बोल सकता हूँ कि थोड़ा ट्रस्ट इशू आने लग गए एक दूसरे पर, एंड फिर आगे जो हुआ वो आपको दिख गया कि बाहर हो गए एंड थोड़े बहुत तू तो मैम होने लग गई टीम में एंड कोई अच्छा नहीं गया। एंड गाइस आपको सब पता है कि कल ही हमें गमला बॉय एंड पुकार का फेयरवेल अनाउंसमेंट देखने को मिला, सो अभी सोमराज ने ये बात की कि जब गमला बॉय बूट कैंप छोड़कर जा रहे थे तो काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे, यस गाइस वो क्लिप आप ऑन स्क्रीन देख सकते हो। एंड भी हमारा देखो अभी एंड तो पता नहीं अभी मेरे को एंड हुआ है कि नहीं, क्योंकि अभी ई-स्पोर्ट्स का तो शुरू है, PSG का कुछ कह नहीं सकते, गमला आया था बूट कैंप पे, हम तो इमोशनल हो गए थे क्योंकि अब समझ रहे हो ना, ऐसा कोई बूट कैंप से जा रहा है नया बूट कैंप, बहुत इमोशनल था। फिर गमला मेरे को बताया कि हम लोग का जो लास्ट मैच था BGS का, ये वाला BGS का, वो एंड कहाँ पे हुआ और हमारा स्टार्ट कहाँ से हुआ था, तो मेरे को वो बात बहुत फिट किया कि हमारा जर्नी स्टार्ट स्कूल से ही हुआ था, स्कूल ड्रॉप था हमारा स्टार्टिंग में, और हमारा लास्ट गेम जो था अभी वो भी स्कूल में हुआ।
एंड किसी भी मेसी को जोनाथन के कॉन्टेक्स्ट पे एक बंदे ने ये बोला कि वॉचिंग में ट्रॉफी कब से मिलेगा, सुषमा का क्या रिप्लाई था वो ऑन स्क्रीन देख सकते हो। वेब्जी भाई, वॉचिंग से ट्रॉफी कब से मिलेगा बता दो यार, मुझे सच में समझ नहीं आता कि वो तो बंदा कभी बोला ही नहीं कि हमको वॉचिंग से, वो तो बंदा कभी बोला ही नहीं कि भाई वॉचिंग से मेरे को ट्रॉफी दे दो या कुछ दे दो या कुछ और दे दो। अपने आप में ही खुश हुए जा रहे हो बता के कि ऐसा है। अरे वो अपनी जिंदगी जी रहा है, ई-स्पोर्ट्स उसका खराब जा रहा हो, कैसा भी जा रहा हो, नहीं अच्छा खेल रहा हो, अरे खेलना छोड़ दे वो ई-स्पोर्ट्स, तुमको क्या करना है, नहीं तुमको क्या करना है बताओ। वो अपनी जिंदगी जी रहा है ना, बढ़िया पैसे कमा रहा है, रेडबुल का एथलीट है वो, अंधा पैसा आ रहा है, तुमको क्या करना है, नहीं ट्रॉफी नहीं मिलती। एंड इस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलती किसी से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। मेरा टारगेट भी स्किल नहीं रहा, पैन करेगा साले, पूरी टीम पैन खाएगी अभी।